अब सादात को जकात देना हराम है, जकात सिर्फ सादात ही नहीं, रसूल पाक के पूरे परिवार को देना हराम है। उनके परिवार का नाम है बनो हाशिम, फातिमी हो, हसनी हो, हुसैनी हो, अलवी हो, अब्बासी हो, अकीली हो, अलगरस कैसा भी हाशिमी हो, हर हाशिमी पे जकात देना आपके लिए हराम है। ये रसूल पाक का परिवार है, इसको जकात देना हराम है। मैं सोच रहा था कि जब लोग पावर में आते हैं तो परिवार की फिक्र करते हैं, जब लोग पावर में आते हैं तो अपनी फैमिली की फिक्र करते हैं, भाई पावर में आए तो छोटे भाई को भी पावर में लाया, अब्बा पावर में आए तो पूरी बहू बेटी सबको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। और उसकी सजा भी मिलती है पब्लिक को, परिवारवाद, फैमिली फीलिंग्स डेवलप होती है। लेकिन बट नेचुरल, इफ यू आर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली योर पोजीशन इज साउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी योर फैमिली, फैसिलिटी फैमिली को मिलना चाहिए। ये दुनिया में तन्हा हमारा आपका रसूल है कि पावर में आया तो सबसे पहले अपने खानदान पर बैन लगाया, जकात लेना हराम है। मैं उलमाए कराम से पूछना चाहता हूं कि जकात एक इबादत है और इबादत में कास्टिज्म नहीं है, फिर रसूल पाक ने क्यों कहा कि सैयदो जकात लेना तुम्हारा हराम है और लेके खाना उससे बड़ा हराम है? कौन गारंटी लेता है कि आले रसूल के घर चूल्हा जलता रहेगा? कब गरीबी ने कास्टिज्म देखा है? हर क्लास में गरीबी है, हर समाज में गरीबी है। क्या सैयदों को हल चलाते हुए नहीं देखा गया? क्या सैयदों को टैक्सी ड्राइवर बनते हुए नहीं देखा गया? आखिर जब ये माल अल्लाह के नाम पे निकला है तो ये रसूल आपकी औलाद गरीबी में क्यों नहीं ले सकती? इफ योर जनरेशन लिविंग अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी, व्हाई ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर ज़कात? ये ज़कात कोई हराम माल नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की राह में निकाला है, तो रसूलुल्लाह की औलाद क्यों नहीं? गरीबी उनमें भी है तो क्यों नहीं? भूखे प्यासे वो भी रहे तो क्यों नहीं? खाने को रोटी नहीं है तो क्यों नहीं? जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा किया मेरे नबी ने जो अपने खानदान पर ज़कात लेने को मना कर दिया, ताकि कोई दुश्मन इस्लाम रसूल पर यह इल्जाम न लगा सके कि अपने खानदान की परवरिश के लिए इस्लाम चलाया, अपनी फैमिली के इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम चलाया।